हालात देख लो बस। दिल्ली में आज यानी कि 28 जून को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वाहनों पर गिर गया। इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजराबू ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हैं और हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा, अफसोस की बात है, ये नया निर्माण हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच होनी चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। आपको बता दें कि छत के अलावा सहारा देने के लिए लगाए गए खम्भे भी गिर गए जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप और ड्रॉप एरिया वह भाग है जहां यात्रियों को लाने ले जाने वाले वाहन खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को हवाई अड्डे के पास स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी मलबा हटाने का काम जारी है।